है वैगनार, वैगनार है ये बेस मॉडल और डिमांड है, पब्लिक डिमांड है। एक है आपका मिरर, ऑटो फोल्ड मिरर, ये देख लो बेस वेरिएंट है ये। स्टीयरिंग है टॉप मॉडल का, ओके, जो की लगेगा वैगनार के अंदर। हेलो भैया, वेलकम टू द चैनल मोंटी मलिक दिस साइड। और ये है वैगनार, वैगनार है ये बेस मॉडल और इसका तकरीबन सारा काम हो चुका है जब यहाँ पे आई थी एसएम कार कस्टम्स पे। तो आप सोचोगे भाई किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ दो चीज़ों के लिए मेन, जो कि सेंट्रिक है, सबकी डिमांड है, पब्लिक डिमांड है। एक है आपका मिरर, ऑटो फोल्ड मिरर, ये देख लो बेस वेरियंट है ये। चलो यहाँ से नहीं पहचानोगे आप, तो यहाँ से तो पहचान लोगे भाई, आप दिखाता हूँ कहाँ से पहचान लोगे। ये देखो आप यहाँ से तो पहचान लोगे आप, ये गाड़ी है बेस मॉडल। तो भाई किस लिए आई है बेस मॉडल गाड़ी यहाँ पे? भाई बेस मॉडल ऑटो फोल्ड मिरर और स्टीयरिंग के लिए आई है। ओके, तो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे ये स्टीयरिंग से पहचान लोगे कि बेस मॉडल है, मान गए आप तो बात को। तो इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है, क्या इंस्टॉल किया जा रहा है भाई? स्टीयरिंग है टॉप मॉडल का, ओके, जो की लगेगा वैगनार के अंदर। इसका एयरबैग निकलेगा और ये लगेगा साथ में, और यही आप इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे भाई कैसे का वर्किंग होती है। बाकी ऑटो फोल्ड मिरर इसके अंदर लग चुके हैं अभी की अभी इंस्टॉलेशन की गई है। इस वाले वेरिएंट में 2020 वाले वेरिएंट है, तो इसमें ये वाला एरिया खाली आता था, तो इजी था ये लगाना और कुछ इस तरीके का होता था ये। तो ये लग चुका है इसके अंदर। अब आपको स्टीयरिंग की इंस्टॉलेशन और दिखा देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। ये यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो वैगनार का पुराने वाला स्टीयरिंग उतर चुका है, और जो अब लगेगा ना नया वो ये वाला है, टॉप वेरिएंट का जो स्टीयरिंग है। बाकी एयरबैग भी चेंज होएगा इसमें, दो ऑप्शन आते हैं, एयरबैग आप कटवा लो या फिर लग चेंज करवा लो, तो चेंज किया जा रहा है इसके अंदर, ये देख लीजिए। बाकी ऐसा कुछ होता है इसमें अभी आपको दिखाऊं तो मैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो है, टॉप मॉडल स्टीयरिंग है वो लग चुका है कुछ इस तरह का। बाकी वर्किंग अभी वर्किंग भी हो गई है, देखो भाई आप ये देखिए आप तो ऐसा कुछ है। बाकी आपको एयरबैग फिट हो जाएगा, प्रॉपर रिस्पांस देखेंगे, कस्टमर रिव्यू भी शेयर करेंगे भाई। और कितना क्या टाइम लगा, कितना बजट आया सबको बताएं आपको कि ऑटो फोल्ड और इसमें कितना क्या टाइम लगता है। बाकी ये देखो भाइयों, इसमें जो मिरर और इंडिकेटर्स, आपके तीन तरह के इंडिकेटर चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और एक आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ जो इसमें भैया आपने इंस्टॉल करवा के है, मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी, आप भी करवा सकते हो, वो है ये आजकल जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इस टाइप की चीज़ें अपनी गाड़ी में आप लगवा सकते हो भाई। स्टिकरिंग वगैरह होती है इसमें, पैसों के भी आते हैं, बंदूक का भी आता है, अपने हिसाब से सिस्टम। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो रिफ्लेक्टर्स कुछ इस तरीके के हैं, ये देखिए। और अब आपको वर्किंग दिखाऊँ ना अंदर, तो यहाँ पे एयर बैग भी फिट कर दिया जा चुका है, ये प्रॉपर चेकिंग की जा रही है कि कैसा क्या वर्किंग वगैरह है। डन हो गया भाई, ओके रिपोर्ट है, तब आपको रिव्यू देता हूँ पूरा इसका। इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, नीचे वाला एरिया फिक्स किया जा रहा है, और गाड़ी में ये भी चीज़ लगी हुई है आपको दिखाऊँ शायद, काफ़ी मस्त चीज़ है भाई, लगवा लो अपने रिस्क पे। तो गाड़ी का मतलब दो से काम हो चुके हैं, जिसमें एक तो ऑटो फोल्ड मिरर है जो कि अंदर से ऑटो फोल्ड हो रहे हैं, बाहर से नहीं होते ये, एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट इनको अंदर से ही ऑटो फोल्ड का ऑप्शन दिया गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट काम ये किया गया, ऑटो फोल्ड मिरर्स लगाए गए हैं, और देख लीजिए गाड़ी का भाई लुक काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। और स्विच वगैरह देख लो, स्विच कुछ ऐसा है, कोई भी कटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओल्ड वेरियंट है, 2020 वाली वैगनार है, तो इसमें सारी चीज़ है ना, मतलब ये वाला एरिया सारा आता था पहले से। और ये लगाया गया स्टीयरिंग, स्टीयरिंग आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार सीधा करके, तो ये देख लीजिए आप, पहले बटन प्रेस किया मैंने, ये खुल गया, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है भाई मिरर्स का, कपलर टू कपलर नो वायर कटिंग। उसके बाद बात की जाए तो ये है स्टीयरिंग, सो ये स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है इसके अंदर, इसमें एयरबैग भी चेंज किया गया है इसका, और उसके साथ ये पूरा OEM स्टीयरिंग है, इसमें सारे बटन्स वगैरह वर्किंग है, दिखाया था आपको मैं। ये देखिए मैं आवाज़ डाउन की तो डाउन, अप की तो अप, म्यूट की तो म्यूट हो गया, और अनम्यूट की तो अनम्यूट हो गया, और ये देख लीजिए आप प्रॉपरली वर्किंग है, और OEM फिटिंग है, कोई भी लोकल वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। और गाड़ी की रनिंग की बात की जाए ना, तो गाड़ी की रनिंग यहाँ से दिखेगी नहीं भाई, आपको ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार, ये दिख नहीं रही भाई यहाँ से, 21,000 के आसपास गाड़ी चली है, देख लो आप 21,000, ये पुरानी गाड़ी है और स्टिल इसमें वर्किंग की गई है, ये देख लो प्रॉपर वर्किंग है। और इसके अलावा स्टीयरिंग की फिटमेंट वगैरह देख लो, फिनिशिंग वगैरह देख लो,
हर तरह से कैसे क्या की गई है। कुछ लोग इसको ना एयर बैग काट के इंस्टॉल करते हैं, वो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, बट एज पर कस्टमर नीड उसको चाहिए था कि भाई OEM फिटिंग वाला ही एयर बैग चाहिए, तो वो एयर बैग इंस्टॉल किया गया है। बाकी वर्किंग वगैरह देख लो, प्रॉपरली वर्किंग है इसमें। एक बार ओनरशिप भी जान लेते हैं और कितना क्या खर्चा है दोनों कामों में, वो आपको बता देते हैं। सो, गाड़ी की सारी वर्किंग दिखा दी आपको, ऑटो फोल्ड मिरर, स्टेरिंग इंस्टॉल किया गया है। भैया आए थे, भैया कहाँ से आए हो आप ये बता दो? यमुनानगर हरियाणा से। यहाँ पे कैसे पहुँचे आप? यूट्यूब के जरिए। ओके, सो आप बेसिकली ऑटो फोल्ड मिरर और स्टेरिंग लगवाने आए थे? बिल्कुल। सो काम कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया, सेटिस्फैक्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने हुआ सारा काम, है ना? बिल्कुल। सौरभ भाई, कितना क्या टाइम लगता है इस ऑटो फोल्ड और स्टेरिंग लगाने में और कितना खर्चा आया? ऊपर बेस मॉडल का स्टेरिंग है, ये देख लीजिए आप। टॉप मॉडल का स्टेरिंग लगा दिया हमने इसके। बिल्कुल भाई, कपलर टू कपलर, नो वायर कटिंग? कोई वायर कटिंग नहीं है भैया के, सारा काम भैया के सामने हुआ है। ओके, और बेस्ट प्राइस पे करके दिया है। तो भाई कितना क्या टाइम लग जाता है इस? कम से कम 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है दोनों कामों में। ओके, तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है जिस किसी भाई को लगवाने हैं तो आप आ सकते हो SM कार कस्टम्स, अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हो। और ये देख लीजिए आप। अच्छा भाई, प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है इनकी? भाई इसका जो MGT की सीरीज का प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट होता रहता है। अच्छा, ओके। आप कभी भी आपको कुछ आइटम की क्वेरी करनी है तो वीडियो पे नंबर फ्लैश होता है हमारी, और व्हाट्सअप भी है, उस पर आप डिटेल्स हमारे से प्राइस की ले सकते हैं। तो प्राइस आप दे दोगे व्हाट्सअप पे, है ना? तो भाई ये थी आज की वीडियो। वैगनार LXi को ZXi प्लस बना दिया गया है, और थैंक यू भैया। और ऐसा कुछ काम किया गया, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। और आप आ सकते हैं SM कार कस्टम अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने का। थैंक यू सो मच भाइयों वीडियो देखने के लिए। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो रिफ्लेक्टर्स कुछ इस तरीके के हैं, ये देखिए। और अब आपको वर्किंग दिखाऊंगा अंदर। तो यहाँ पे एयर बैग भी फिट कर दिया जा चुका है, ये प्रॉपर चेकिंग की जा रही है कि कैसा क्या वर्किंग वगैरह है। डन हो गया भाई, ओके रिपोर्ट है। तब आपको रिव्यू देता हूँ पूरा इसका। इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, नीचे वाला एरिया फिक्स किया जा रहा है, और गाड़ी में ये भी चीज़ लगी हुई है, आपको दिखाऊँ।